गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर खनिज पोषण मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं प्लांट्स में, जिसके अंतर्गत हमने इसके पहले के लेक्चर में इंट्रोडक्शन प्लस पादपों में खनिज अनिवार्यता की अध्ययन विधि और वृहद सूक्ष्म पोषक तत्व वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में जानकारी हासिल किया था। तो आज हम पढ़ते हैं कि इन वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य क्या हैं, मेजर रोल्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में इनकी क्या भूमिका होती है और कितनी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, इनकी कमी से कौन कौन से प्रकार के डेफिशिएंसी प्लांट्स में आ जाते हैं या अधिकता से कमी से अधिकता से दोनों से ही डेफिशिएंसी जो है वो प्लांट्स में होते हैं। तो पौधों में पाए जाने वाले आवश्यक तत्व पौधों की विभिन्न चयापचय क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि कोशिका झिल्ली की पारगम्यता है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका जो परमिएबिलिटी होती है जो कि सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है उसको ये जो है वो कंट्रोल करके रखते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, अभी आगे चलकर हम श्वसन और पोषण सॉरी प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में जानेंगे, इसमें कुछ मिनरल्स की आवश्यक भूमिका होती है। कोशिका रस के परासरणी सांद्रता को कायम रखना, प्रतिरोधी कार्य यानी बफरिंग एक्शन, एंजाइम का जो गतिविधि होता है ना, वृहद अणुओं के मुख्य घटक के रूप में आवश्यकता, इन सभी को ये जो पोषक तत्व हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं, इनकी उपस्थिति में ही ये कार्य अच्छे से संपन्न हो पाते हैं। मुख्य आवश्यक तत्वों के विभिन्न कार्यों का वर्णन यहाँ पर हम करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन की पौधों में क्या भूमिका होती है। नाइट्रोजन पौधों को ये मिट्टी से नाइट्राइट और अमोनिया के लवणों के रूप में प्राप्त होता है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन कोई भी जीव चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो डायरेक्ट इसको अचीव नहीं करता है, इसको पहले नाइट्रेट या नाइट्राइट अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, देन उसको फिर लिया जाता है, ऑब्जॉर्व किया जाता है या इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नील हरी सवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन गैस को पौधों में स्त्रीकृत कर देते हैं। सभी खनिज तत्वों की तुलना में नाइट्रोजन का उपयोग पौधों में सबसे अधिक होता है, बल्कि पौधों में ही क्या हर एक लिविंग जो सेल होता है यानी चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो प्लांट्स हो, सभी में नाइट्रोजन का उपयोग जो है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये जीव द्रव्य का एक मुख्य घटक होने के साथ साथ जितने भी कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन सभी का मुख्य रचनात्मक घटक होता है। ये पौधों के सभी भागों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो विभाज्योतिकी ऊतक होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनमें हमेशा विभाजन की प्रक्रिया चलते रहती है, इनके ऊतकों को चयापचय तौर पर सक्रिय कोशिकाओं में इसकी आवश्यकता अधिक होती है। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, हार्मोन्स का ये मुख्य घटक होता है। क्लोरोफिल एवं साइटोक्रोम एंजाइम से भी नाइट्रोजन जो है वो उपस्थित होता है। सेकंड हम पोषक तत्वों की बात करें फास्फोरस की, तो ये मिट्टी से दो आयन के रूप में HPPO4 और H2PO4 के रूप में पौधों को प्राप्त होता है। इसकी सबसे अधिक मात्रा जो है वो विभाज्योतिकी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली, कुछ प्रोटीन, सभी न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड और जितने भी एनर्जी प्रदान करने वाले घटक होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ATP ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट के रूप में ये जुड़ा हुआ है ना, NADP, ADP ये सब में ये जो है वो इसका आवश्यक घटक होता है। कोशिका झिल्ली, कुछ प्रोटीन, कुछ न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड का आवश्यक घटक होता है। सभी फास्फेटीकरण प्रक्रिया, फास्फोरिलेशन रिएक्शन में इसकी आवश्यकता होती है। ATP यानी ऊर्जा का ये मुख्य घटक होने के कारण श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण घटक होता है। पोटेशियम, ये मुख्यतः पोटेशियम आयन के रूप में पौधों के द्वारा खनिज से रूट के द्वारा या रूट हेयर के द्वारा अवशोषित किया जाता है और विभाज्योतिक क्षेत्र में
कलियों में, पत्तियों, मूलाग्र में इसकी सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। पोटेशियम कोशिकाओं में ऋणायन धनायन नायन कैटायन के बीच में संतुलन या बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण रंध्र के खुलने और बंद होने, एंजाइम को उत्प्रेरित करने, कोशिकाओं को स्फीति दशा में बनाए रखने के लिए, कोशिकाओं की टर्जिडिटी को बनाए रखने के लिए ये जरूरी होता है। ये कोशिका विभाजन, क्लोरोफिल का विकास एवं पारगम्यता के नियंत्रण में भी ये मदद करता है, हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द कैल्शियम। मिट्टी से इसका अवशोषण कैल्शियम आयन के रूप में पौधों के द्वारा होता है। विभोज्योतकी और विभेदित हो रहे, मतलब ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना कार्य के आधार पर कोशिकाओं का, इन ऊतकों में इसकी जरूरत पड़ती है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के निर्माण में इसकी जरूरत पड़ती है, जो मध्य पट्टिका यानी मिडिल लैमिला में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में पाया जाता है। माइटोटिक तर्कु या स्पिंडल के निर्माण में भी इसकी आवश्यकता होती है। कोशिका झिल्ली के सामान्य कार्यों से भी ये संबंधित रहता है। कुछ एंजाइमों को सक्रिय करने एवं चयापचय गतिविधियों की को नियंत्रित करने में ये मुख्य भूमिका निभाता है। पुरानी पत्तियों में जमा रहता है और जब पुरानी पत्तियां झड़ने लगती है तो इसे पौधों के अन्य भागों में इसको ट्रांसफर कर देती है। कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण के लिए भी ये उपयोगी होता है। नेक्स्ट पोषक तत्व है मैग्नीशियम। कैल्शियम की तरह मैग्नीशियम भी द्विसंयोजी यानी बायोवेलेंट आयन की तरह मिट्टी से पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये श्वसन में और प्रकाश संश्लेषण के एंजाइम को सक्रिय करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसी प्रकार ये न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए आरएनए के संश्लेषण में भी भाग लेता है और क्लोरोफिल का भी मुख्य घटक है। बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल जो है वो का निर्माण नहीं हो पाता। प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम की इकाइयों को बांधने का ये काम करता है। फास्फोरस के उपापचयी और वसा के संश्लेषण में भी ये सहायक होता है। नेक्स्ट वन इज द सल्फर। ये मुख्यतः कार्बनिक रूप में पाया जाता है और पौधे इसको सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये दो अमीनो अम्ल सिस्टीन और मिथियोनिन में पाया जाता है और कई को एंजाइम विटामिन जैसे कि थियामिन, बायोटीन इत्यादि और फेरिडॉक्सिन का भी ये मुख्य घटक होता है, अवयव होता है। क्लोरोफिल संश्लेषण और लेग्यूमिनेसी कुल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो उनकी जड़ की ग्रंथियों के निर्माण के लिए ये उपयोगी होता है। नेक्स्ट वन इज द आयरन लोहा। पौधे मुख्यतः इसको फेरिक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। अन्य सूक्ष्म पोषकों की तुलना में पौधों को इसकी आवश्यकता अधिक मात्रा में रहती है और ये उन प्रोटीनों का मुख्य घटक होता है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण जैसे कि फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम में आवश्यक होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ फेरस आयन फेरिक आयन में प्रतिवर्ती रूप में ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं और क्लोरोफिल के निर्माण के लिए जो है वो सबसे आवश्यक घटक होता है। ये जो है वो कैटेलाइज एंजाइम को सक्रिय करता है और कैरोटीनाइड के निर्माण में भी जरूरी होता है। अगला है मैग्नीज। पौधे इसको मैग्नस आयन के रूप में Mn2+ पॉजिटिव चार्ज के रूप में अवशोषित करते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन चयापचय में संलिप्त कई एंजाइमों को उत्प्रेरित करने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण के समय जल को तोड़ने में, उसके विखंडन से ऑक्सीजन मुक्त होने में इसकी खास भूमिका होती है और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में भी इसकी मुख्य भूमिका होती है। प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में इसकी भूमिका होती है। नेक्स्ट वन है जिंक, जस्ता। इसको जिंक आयन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं और ये मिट्टी में बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है। विभिन्न एंजाइम खासकर की कार्बोक्सिलेज को ये उत्प्रेरित करने का काम करता है। ऑक्सीजन और प्रोटीन के संश्लेषण में भी ये मदद करता है। कॉपर या तांबा, ये क्यूप्रिक आयन के रूप में पौधों के द्वारा जड़ों से अवशोषित किया जाता है। इसकी आवश्यकता पौधों को बहुत ही कम मात्रा में होता है लेकिन वो बहुत जरूरी होता है। अधिक मात्रा
इसकी जो है वो पौधों के लिए जहरीला काम करता है, टॉक्सिन्स का काम करता है। पौधों में महत्वपूर्ण उपापचय के लिए इसकी आवश्यकता होती है और आयरन की तरह ये प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय ये बहुत ही खास भूमिका निभाता है, इसमें मदद करता है। बोरान, पौधे इसको बोरेट यानी BO3 प्लस टेट्रा बोरेट से रीन आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। मिट्टी में घुलनशील बोरान बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है। कैल्शियम के को ग्रहण करने में उसका उपयोग और झिल्ली की क्रियाशीलता कोशिका का को बढ़ने यानी उसके वर्धन में, विभेदन में, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, पुष्पन, फलन, पराग के अंकुरण, ये सभी उपापचय आदि में इसकी उपयोगिता होती है। मॉलिब्डेनम, पौधे इस तत्व को मुख्यतः मॉलिब्डेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं और ये कई एंजाइम जैसे कि नाइट्रोजन उपापचय में आवश्यक नाइट्रोजिनस और नाइट्रेट रिडक्टेज का घटक होता है। क्लोरीन, ये पौधों के द्वारा क्लोराइड आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर ये कोशिका के विलेय सांद्रता निर्धारित करने में और धनायन ऋण आयन के संतुलन बनाने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन में भी ये आवश्यक घटक होता है। तो ये तो हमने अभी केवल कुछ वृहद और सूक्ष्म पोषकों के मुख्य कार्य के बारे में पढ़ा है। इस ये जो है वो सभी पौधों के लिए एक आवश्यक घटक होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो भिन्न भिन्न पौधों को इसकी भिन्न भिन्न मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। तो हम पढ़ते हैं आवश्यक तत्वों के अभाव के लक्षण क्या होते हैं। पौधों में जब भी किसी आवश्यक तत्व की कमी हो जाती है तब इनके वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, है ना। पौधों में जैसे अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो है वो आवश्यक तत्व होते हैं और इनकी कमी से पौधे जो है वो ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। पौधों में आवश्यक तत्वों की ये सांद्रता जिससे कम होने पर पौधों की वृद्धि धीमी पड़ जाए इसको क्रांतिक सांद्रता, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की एक निश्चित मात्रा पौधों के लिए जरूरी है, उससे अगर वो कम हो जाता है तो ये क्रिटिकल कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। इस सांद्रता स्तर से किसी तत्व की सांद्रता अगर कम हो तो उसको अपूर्णीय डेफिशिएंसी कहते हैं। चूंकि पौधों में प्रत्येक तत्व की अपनी खास उपयोगिता होती है जो कि अभी हमने पढ़ा, अतः इनके कमी से इनमें कुछ विशिष्ट संरचनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं और इन परिवर्तनों से ये पता चलता है कि पौधों में किस तत्व की कमी हो गई है। इन परिवर्तनों को अभाव लक्षण या डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहा जाता है। अलग अलग तत्वों के अभाव लक्षण भी भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। जब इन तत्वों की सांद्रता पौधों में बढ़ जाती है या इनकी आपूर्ति की जाती है तो ये अभाव लक्षण जो कि पौधों में दिखाई दे रहा है उनके ग्रोथ के समय वो खत्म हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर इन अपूर्ण तत्वों की सांद्रता लगातार कम होते रहती है, लगातार कमी बनी रहती है इसकी, तो पौधे में ग्रोथ नहीं हो पाता, डेफिशिएंसी के कारण पौधे धीरे धीरे मर जाते हैं। पौधों में तत्वों की गतिशीलता या मोबिलिटी के आधार पर यह निर्धारित होता है कि इनके किस हिस्से में अभाव लक्षण परिलक्षित होंगे। वैसे तत्व जो पौधों में सक्रिय रूप से गतिशील रहते हैं और लक्षण विकासशील ऊतकों की ओर संचरित होते रहते हैं, इनके अभाव होने पर इनका जो अभाव लक्षण होता है सबसे पहले पुराने ऊतकों में प्रदर्शित होता है और जो तरुण विकासशील ऊतक की ओर ये फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, संचरित होते हैं और उनके अभाव होने पर अभाव लक्षण जो है वो पत्तियों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम के अभाव, ये जो है वो सबसे पहले पत्तियों में दिखाई देते हैं। पुरानी पत्ती में मौजूद जो जैविक अणु होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये तत्व पाए जाते हैं, ये जब झड़ते हैं या टूट कर गिरते हैं तो इसके पहले ये नई पत्तियों में इन तत्वों को संचरित कर देते हैं। अगर खनिज तत्व अपेक्षाकृत अगतिशील होते हैं तो और परिपक्व अंगों से स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं और इनके जो अभाव लक्षण हैं तरुण ऊतक में, तब ये जो है वो इनका अभाव लक्षण तरुण ऊतक में दिखाई पड़ते हैं। मान लीजिए पुराने पत्तियों ने झड़ने से पहले इन तत्वों को नए
पत्तियों की तरफ ट्रांसफर नहीं किया तो नए पत्तियों में इनके अभाव दिखाई देने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सल्फर और कैल्शियम तत्व कोशिका के संरचनात्मक घटक हैं, इसलिए ये आसानी से विमुक्त नहीं होते हैं। कृषि एवं उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर में पौधों के खनिज पोषण का बहुत ज्यादा महत्व है। इसका पौधों में विभिन्न तरह के अभाव लक्षण पाए जाते हैं, जैसे मुख्यतः क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, पौधों की स्तंभित वृद्धि, स्टंटेड ग्रोथ, पत्तियों और कलिकाओं का परिपक्वतापूर्ण विलगन, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स, कोशिका विभाजन का निरोधन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, पुष्पन में रोग इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग, ये सभी लक्षण जो है वो परिलक्षित होते हैं। क्लोरोसिस या हरिमहीनता जो है वो पत्तियों से क्लोरोफिल के खत्म होने के कारण होता है और फिर ये धीरे धीरे जो है वो पीली हो जाती है। ये लक्षण नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और तांबा की कमी होने के कारण होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम और सल्फर की कमी या अभाव से कोशिका का विभाजन रुक जाता है, जिससे नई कोशिकाएं नहीं बन पाती है, पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। अगर नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम की सांद्रता क्रांतिक स्तर से कम रहती है तो पुष्पन में देरी होता है, पौधों में पुष्पन नहीं हो पाता। पोटेशियम की कमी से पौधों में शीर्षस्थ प्रभावित है, एपिकल डोमिनेंस कम हो जाता है और भूमिगत संचयन अंगों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण कम होने लगता है। फास्फोरस के अभाव से संवहन ऊतक का विकास कम हो जाता है। इन सभी जो हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कई खनिज तत्वों के अभाव से पौधों में एक जैसा अभाव लगभग दिखाई पड़ता है, जैसे नाइट्रोजन की कमी से या मैग्नीशियम की कमी से जो डेफिशिएंसी होता है वो सभी पौधों में एक समान ही होता है। इसके अतिरिक्त अलग अलग पौधों में किसी तत्व की कमी के अलग अलग लक्षण जो है वो प्रदर्शित होते हैं, इसलिए अभाव लक्षण के सही कारक तत्व का पता लगाने के लिए पौधों के विभिन्न भागों में उत्पन्न हर प्रकार के अभाव लक्षण का स्टडी करना आवश्यक होता है। इसके बाद इसकी तुलना जो है वो उपलब्ध मानक तालिकाओं से किया जाता है, साथ ही एक ही तत्व के प्रभाव कभी विभिन्न पौधों में अलग अलग होता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम सूक्ष्म पोषकों की विषाक्तता के बारे में पढ़ेंगे।